भगवान को किसने देखा है? जब भी ये सवाल आता है तो सबसे पहले हमारे मुख पे एक ही नाम आता है, माँ और बाप। और उसके बाद जब भगवान का जिक्र होता है तो वो हमारे लिए हमारे डॉक्टर्स हैं। शुरुआत जन्म से हो या अंत मौत पे, डॉक्टर्स हर जगह हमारे साथ शाना बिशाना खड़े रहते हैं। डॉक्टर्स की एग्जाम्पल दी जाए तो बहुत ही बड़े बड़े कारनामे हमारे डॉक्टर्स ने किए हैं, मौत के मुंह से भी लोगों को निकाल के बाहर लाया। तो फिलहाल हमारे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर्स, बहुत ही काबिल डॉक्टर्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर के। लेकिन अगर जम्मू की बात करें तो हमारे जम्मू के एक बहुत ही काबिल डॉक्टर, डॉक्टर सुशील शर्मा जी, जिन्हें हालिया में ही स्वामी विवेकानंद अवार्ड के साथ नवाजा गया। 26 तारीख को कोलकाता में एक प्रोग्राम था जहाँ पर इनको स्वामी विवेकानंद अवार्ड से नवाजा गया, उनके बेहतरीन काम के लिए और उनके जितने भी सोशल सोसाइटी के लिए जितने भी काम किए जाते हैं उन सब पे। तो आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए डॉक्टर सुशील शर्मा जी हैं, उनके कीमती समय से हमने 2 मिनट लिए हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो आपके काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो आपकी तारीफ जितनी भी करें कम है, वो भी लोग आज बहुत खुश हैं। आपका क्या कहना है और आपका क्या मैसेज है सोसाइटी के लिए? ये तो पेशेंट्स का स्नेह है, उनका प्यार है जो हमारे लिए एक बंधा हुआ होता है। अवार्ड्स तो एक रिकॉग्निशन है आपके वर्क की, पर ये एक आपको फिर एक ड्राइव देता है कि आपको अच्छा करना चाहिए। बड़ी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की हमारे ऊपर। जम्मू में जितना भी हम 2 किस्म के प्रोग्राम्स रन करते हैं, एक तो इंटरवेंशन का प्रोग्राम है जो तो हॉस्पिटल में चलता है, और दूसरा एक प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का प्रोग्राम है जो कि लोगों को अवेयर करते हैं। वो हम संडे में कैंप्स करते हैं। मैं अकेला इस काम में इन्वॉल्व नहीं हूँ, काफ़ी सी टीम है, काफ़ी से डॉक्टर्स हैं हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब लोग इन्वॉल्व हैं। लोगों को एक अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि साहब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में दूर रहना चाहिए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में पता होना चाहिए कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो यही एक सीरियस ही कैंपेन हमने 2-3 साल से शुरू की है। तकरीबन जम्मू के जितने विलेजेस हैं उनमें कनेक्ट किया हमने, लोगों से पूछा है, लोगों से बातचीत की है, चाहे वो इवेल्यूशन शुगर का हो, चाहे ब्लड प्रेशर का हो, चाहे लिपिड्स का हो, स्मोकिंग के रिलेटेड, खाने पाने के रिलेटेड, फिजिकल एक्सरसाइज के रिलेटेड, तो लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। अवार्ड्स तो एक अच्छा है, या ये भी एक लोगों का प्यार है वो जो जिस फील्ड में अवार्ड देने की कोशिश करते हैं। तो एक कुछ शख्सियत के साथ जो अवार्ड आपका जुड़ा होता है, स्वामी विवेकानंद जी तो बहुत आदमी हैं, ये तो प्रेरणा हमारे भी एक उनको एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं कि जितना जिस तरह उसे भी उसी लेवल तक पहुंचने की कोशिश करें लोगों में एटलीस्ट, कितना कि उनको कंपेयर किया जा सकता है, वो तो एक डिफ़िकल्ट सी सोच है। बड़ी अच्छी सी पर्सनैलिटी रही हैं, पर उसी तरह उसी मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं और जितना हो सके लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। मेरा जो अगला सवाल था, डॉक्टर साहब ने उसका जवाब पहले ही दे दिया। अवार्ड्स हम लोगों को काफ़ी मिलते हैं, आप लोगों के काम के ऊपर काफ़ी सारे अवार्ड्स से आपको नवाजा जाता है, लेकिन कुछ अवार्ड्स ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी की, तो उनका काम आज तक लोग उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, वही अवार्ड से नवाजा गया डॉक्टर सुशील जी को, जो हमारे फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं हमारी स्टेट के। तो सर को, सर की जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, सर के कंस्ट्रक्टिव कामों की तरफ, सर का जो सोशल सोसाइटी की तरफ जितना भी सोशल रिफॉर्म करते हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स की बात करें, हर संडे को सर अपने कीमती समय से, जब लोग जो एक दिन फ्री मिलता है अपने घर के काम के लिए, सर उसमें से भी टाइम निकाल के सोसाइटी के लिए काम करते हैं। सर अगर हम बात करें हार्ट पेशेंट्स की, तो जम्मू के अंदर अगर हार्ट पेशेंट्स की बात करें, क्या मतलब आपकी तरफ से क्या मैसेज है जो लोग आप तक नहीं पहुंच पाते? कुछ ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, सोसाइटी रिमोट एरियाज हैं, उनके लिए क्या मैसेज है अगर वो लोग इन बीमारियों से अगर जूझ रहे हो तो? देखो, एक पॉसिबली प्रिवेंशन एक अच्छा एस्पेक्ट है। प्रिवेंशन का मायने है कि बगैर डिजीज़ के शुरू होने से पहले ही आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। प्रिवेंटिव स्टेप्स में काफ़ी से रिस्क फैक्टर हैं जिनको देखा जाना चाहिए। अगर आपकी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है, मीन्स आपके पेरेंट्स को कहीं हार्ट की बीमारी हुई है, उसको भी केयरफुल रहना चाहिए। डायबिटीज़ जो आम एक कॉमन सी डिजीज़ हुआ, उसके बारे में ब्लड शुगर का इवेल्यूशन बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, उसको इवेल्यूशन कराने की कोशिश करनी चाहिए। ब्लड प्रेशर जिसको साइलेंट किलर कहते हैं, वो तो एक मेजरमेंट का तरीका है, लोग घर पर भी देख सकते हैं, उसको मेजर करना चाहिए। स्मोकिंग एक बड़ा सा लिंक है हार्ट और हार्ट डिजीज़ में। जितने भी हम यंग लोग हैं, यंग पीढ़ी है, उनको कहते हैं कि साहब स्मोक से दूर रहिए। स्मोक इज़ वेरी टॉक्सिक टू एनीवेयर, पॉसिबली हार्ट की आर्टरीज को तो बहुत तबाह करता है।
दूसरा लिपिड्स एब्नॉर्मलिटी हैं जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में है उसके बारे में देखना चाहिए, और फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि साहब चलने की कोशिश करिए, चाहे रन, जॉग, स्विम, साइकिल, ये अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, हार्ट और हार्ट के रिलेटेड हार्ट फ्रेंडली एक्सरसाइजेज हैं, और खाने पीने का ध्यान रखिए और स्ट्रेस लेवल को कम करिए। ये सारे से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। अब कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं कि सपोजिंगली आपको हार्ट की बीमारी होती है तो उसमें आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, हार्ट अटैक या अनस्टेबल एंजाइना या स्टेबल एंजाइना, ये ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें आदमी को हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं भी हार्ट के सिम्टम्स हों, छाती में दर्द हो जो काफ़ी भारी सा हो जिसमें लगे कि टॉलरेशन लेवल नहीं हो रहा है, तो इमीजिएटली रिपोर्ट करना चाहिए हॉस्पिटल में। यही एक तरीका है अगर हार्ट हार्ट की डिजीज़ के बारे में वैल्यूएशन होनी है। हार्ट की बीमारियाँ काफ़ी किस्म की होती हैं, वो तो कंजेंटल हार्ट डिजीज़ होती हैं जो बचपन से शुरू होती हैं, एक रोमेटिक हैं जो वेल्व की डिजीज़ के कारण होती हैं, फिर एक कॉरोनरी आर्टरी की बात करते हैं जो काफ़ी सा जिसका ग्लोबल एक पेंडेमिक है, जम्मू में भी काफ़ी से लोग हमें देखते हैं। हमारे पास एक अभी CCU में एक यंग आदमी है, इज इंजीनियर, अराउंड 22-23, ही सफर्ड ए सीरियस हार्ट अटैक, ही वाज अ स्मोकर एंड हमारे पास है। तो ये यंग लोगों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश हो रही है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए यही एक हमारा लक्ष्य है, यही एक तरीका है। तो लोगों को ये एडवाइस हम करते हैं कि साहब आप अगर लगता है कि फिज़िकल एक्टिविटी लेवल कम है तो आप उसको बढ़ाने की कोशिश करिए, अपने वेट पे कंट्रोल करने की कोशिश करिए, डायबिटीज़ का ध्यान रखिए, ब्लड प्रेशर के बारे में देखिए, लिपिड्स की जाँच करवाइए और एक स्ट्रेस लेवल को कम करिए। ये इतना तो हम कर ही सकते हैं, बाकी तो ज़िंदगी का सफ़र तो चलता ही। थैंक यू सो मच एंड सर वंस अगेन कंग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो डॉक्टर सुशील जी हमारे साथ लाइव थे, हमने उनसे बात की और सर को जिस तरह से नवाजा गया स्वामी विवेकानंद अवार्ड के साथ, हमारे जम्मू के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब को। और जिस तरह से डॉक्टर साहब सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, इसी तरह से बाकी कुछ लोग भी सामने आए और सोसाइटी के लिए काम करें। डॉक्टर साहब ने जिस तरह से कहा, उनके साथ काफ़ी सारे वॉलेंटियर्स भी जुड़े हुए हैं और लोग भी अगर इनके साथ जुड़ना चाहें तो वो सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं। आशीष कोहली, कैमरामैन संदीप सिंह के साथ, यू फॉर यू वॉइस के लिए।